तो सेना की नई भर्ती योजना पर देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं, इस पर राजनीति भी खूब गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 3 साल के बाद संपूर्ण सैनिक फौज को मिलता है। यहां पर पहला साल ट्रेनिंग और तीसरा और चौथा साल इस बात की चिंता में कि आगे क्या करेंगे, आगे जब यहां से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि 75% लोगों को फ्री कर दिया जाएगा, तो आगे उनका भविष्य क्या होगा। आपने भी ग्रेजुएशन करी होगी, इंजीनियरिंग करी होगी, कोई 3 साल का कोर्स है, कोई 4 साल का कोर्स है, आखिरी 1-2 साल आप भी ये सोचते होंगे जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे कि आगे क्या करेंगे। ऐसे ही जो जाएगा वो सोचेगा आगे क्या करेगा, तो फौज में किस मनोबल से वो काम करेगा, इस पे बड़ा प्रश्न उठता है। आज कम से कम 15 साल की एक सर्विस रहती है, तो इस असुरक्षा में जिस देश का सैनिक अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा, वो देश की सुरक्षा में किस मनोबल से लगेगा, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिटी जानिए, कोरिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।